Hello everyone, welcome back to Mama Bear India. I'm back again with a very special video जिसमें बहुत सारी mothers को usually question रहता होगा about the skin of the baby and baby care tips. जब baby नया नया born होता है तो mother and father को हमेशा एक doubt होता है कि baby की skin तो बहुत white होनी चाहिए, smell अच्छी करनी चाहिए. बहुत सारी मदर्स ये भी सोचती हैं कि बेबी स्किन तो बहुत नोन फैक्टर है कि बहुत परफेक्ट होती है. सो दैट इज़ समथिंग जो एक सेड रूल सा बन गया है दैट बेबी स्किन है तो इट शुड बी अमेजिंग, इट शुड बी द बेस्ट. बट बेबी स्किन को एक्चुअल अपने स्टेट में आने में 5 से 6 महीने या दो एटलीस्ट 3 to 4 months लग जाते हैं. और वो सिर्फ इसलिए बिकॉज बेबी की स्किन, जैसे बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम बिल्ड हो रहा होता है, वैसे ही बेबी की स्किन डेलिकेट टू नॉर्मल हो रही होती है. और वो जो एक स्टेज है फ्रॉम डेलिकेट टू नॉर्मल, उसमें मदर को बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि बेबी स्किन में रैशेस क्यों हैं, बेबी की स्किन में बम्प्स क्यों हैं, बेबी की स्किन रेड क्यों है, मैं तो बहुत फेयर हूँ, मेरी स्किन तो ठीक है, डैडी की स्किन तो ठीक है, फिर बेबी की स्किन ऐसी क्यों है. दीज आर द वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स जो एज मदर्स हम फेस करते हैं. तो वॉट आर द थिंग्स दैट वी कैन हेल्प टू डू आर बेबी विद अ बेटर बेटर स्किन. ओके, सो बिगिनिंग में ही जब बेबी एकदम नया छोटू सा मंचकिन बेबी है हमारा एंड हम शुरू में ही उसकी स्किन परफेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि कुछ मदर्स जो अपने ड्यू डेट को क्रॉस कर जाती हैं उनके बेबी के स्किन में एक वाइट कोटिंग, स्पेशली सर के आसपास, अंडर आर्म्स में, नेक के पीछे या बम्स के आसपास एक वर्निक्स करके एक थिक लेयर ऑफ वाइट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लेयर होती है, जो जब बेबी अपनी मामा के वूम में है तब वो वर्निक्स बेबी की स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है. सो दिस इज द नेचर एंड दिस नेचर इज़ वेरी ब्यूटिफुल विच इज़ प्रोटेक्टिंग आर बेबी एंड प्रोटेक्टिंग आर बेबी स्किन ऑल्सो इन द वूम. तो वो ही वर्निक्स जब बेबी बॉर्न हो रहा है तो थोड़ा सा आपको लगेगा दैट बेबी के स्किन पे ये वाइट कोटिंग क्या है, दैट इज़ वर्निक्स. एंड ये कभी कभी हमारे बेबी को ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, वाई इज़ दिस हैपनिंग, तो हम उसको रब करके हटाने की कोशिश करते हैं या उसको स्क्रब करते हैं या नहलाते टाइम उसको रगड़ते हैं. वो नहीं करना है, वी डोंट हैव टू डू दैट. स्पेशली सर पे कोई भी रफ स्क्रबिंग नहीं होनी चाहिए बिकॉज एक तो आप बेबी के यू नो सॉफ्ट हेड के साथ खेल रहे हो, उसके ऊपर से वो जो हेयर के फॉलिकल्स हैं उसके साथ खेल रहे हो. सो ये चीज़ बिल्कुल भी अवॉइड करें. उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि अच्छा अब बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड तो निकल गया है, नाउ हम बेबी को बहुत आराम से नहला सकते हैं, विगरेसली रोज नहला सकते हैं, वो भी अवॉइड कीजिए. बिकॉज जितना बेबी को नहलाएंगे, स्क्रब करेंगे, उतना ही बेबी के स्किन में एक ड्राइनेस आएगी. बिकॉज ऑब्वियसली आप बहुत कोल्ड वाटर से तो बेबी को नहलाओगे नहीं, या तो थोड़ा सा ल्यूकॉम होगा या तो थोड़ा सा हॉट की तरफ होगा. तो एज मदर्स ये एक आपने एक रूटीन बनानी है, एट 3 to 4 times अ वीक ही आप अपने बेबी को बेथ कराइए एंड दैट विल मेंटेन द नेचुरल ऑयल ऑफ द बेबी एंड बेबी बहुत ड्राई भी नहीं होगा एंड बेबी क्लीन भी हो जाएगा. बिकॉज बेबी सिर्फ ड्रूल करते टाइम जो बेबी के साइड से थोड़ी सी सलाइवा निकलता है या फिर डाइपर्स गंदे करता है, सॉइल्ड डाइपर्स होते हैं या वेट डाइपर होते हैं, उस टाइम पे बेबी डर्टी होता है. उसके अलावा तो हमारा बेबी डर्टी हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए वी डोंट वांट कि हम अपने बेबी को बहुत नहलाएं और वो ऐसी रूटीन बनाए ज़बरदस्ती की जिसमें हम बेबी को बहुत ज़्यादा बेथ कराएं. इट्स एब्सोल्युटली नॉट नीडेड. नाउ टॉकिंग अबाउट बेदिंग, कुछ चीज़ का वाइल्ड बेदिंग बेबी को स्पेशल ध्यान रखिए. सबसे पहले जितना कम से कम आप केमिकल सोप्स या केमिकल बॉडी वॉश, केमिकल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं वो प्लीज़ अपनाइए. जो बहुत माइल्ड ब्रांड्स हैं उनको चूज़ करें, मेडिकेटेड या बहुत क्लिनिकल मत यूज़ करो. जो बहुत ब्लाइंड, जो बहुत माइल्ड है उन ब्रांड्स के साथ जाइए. कुछ मदर्स एब्सोल्युटली कोई सोप्स यूज़ नहीं करती हैं बिगिनिंग में, दे विल जस्ट यूज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स. नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक ग्राम फ्लावर विच इज़ बेसन, रोज वाटर, चिकपी फ्लावर, मिल्क, सैफरन, हनी या दही या मलाई,
ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हैं, विच इज़ वेरी सेफ ऑल्सो, एंड वो बेबी को एक बहुत एक सॉफ्ट एंड प्लम फीलिंग देते हैं. बट ऑफकोर्स अगर आपके पास टाइम का प्रॉब्लम है, टाइम का कंस्ट्रेंट है, और आप एक ईजी फटाफट वाला वॉश करवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर सोप्स यूज़ करिए. बट एटलीस्ट वंस अ वीक आप नेचुरल इंग्रेडिएंट बाथ भी दीजिए आपके बेबी को, बिकॉज शुरू शुरू में तो नहीं, बट लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट एंड बहुत प्लम है, एंड इट इज़ कमिंग आउट टू हैव अ वेरी नाइस कलर. फॉर एन एग्जाम्पल, आप ग्राम फ्लावर जो कि बेसिन है, वो एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है, बहुत माइल्ड भी है, बहुत ज़ोर से स्क्रब भी नहीं होगा, एंड बहुत अच्छे से सोप का ऑल्टरनेटिव बन जाता है, विच इज़ बेसन. बेसन को जब आप सोप से ऑल्टरनेटिव यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे बेबी की स्किन साफ भी हो रही है, बिकॉज शुरू शुरू में एज आई सेड बेबी डर्टी नहीं हो रहा है. ऑल वी नीड इज़ टू मेंटेन द रियल स्किन एंड रियल टेक्सचर ऑफ द बेबी, एंड उसको और बेटर करना चाहते हैं हम, इसीलिए हम उसको बेथ करा रहे हैं, उसको क्लीन और फ्रेश फील कराने के लिए भी करा रहे हैं. तो उसमें व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप बेसन में थोड़ा सा दूध या थोड़ी सी मलाई डाल के, उसमें हल्का हनी और हल्का रोज़ वाटर डाल के, उसको सोप पेस्ट बना के उसको सोप के जैसे यूज़ करिए. क्लीन द बेबी विद दैट. बहुत ज़्यादा सूखने मत दीजिए, बिकॉज वो उपटन बन जाता है फिर, सो डोंट डू दैट. बट सिर्फ माइल्ड, जैसे हम सोप यूज़ करते हैं वैसे बेबी को यू नो दिस बेसन वाला पेस्ट लेके आराम से बेबी की स्किन को अच्छे से साफ करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. उसके बाद आप मिल्क बाथ दीजिए अपने बेबी को. ज़रूर उसके वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क डालिए, उसकी उसकी जो बेबी की स्किन है वो बहुत सॉफ्ट फील होएगी आपको नहलाने के बाद. जितना भी एक्सेस डर्ट है वो निकलेगा, एंड इट विल फील वेरी सॉफ्ट एंड प्लम फॉर द बेबी स्किन ऑल्सो. ऑल्सो बेबी को 3 to 5 maximum 6 minutes से ज़्यादा बेथ मत कराइए. बेबी को ठंड लगने के चांसेस हैं, एंड इतना वाटर इतना सोप बेबी को वैसे ही नहीं चाहिए. तो बहुत लिटिल लिटिल क्वांटिटीज़ का सोप और वाटर आप यूज़ करिए. क्विक बाथ कराइए बेबी को, एंड फटाफट से उसको क्लीन क्लोथिंग में ले आइए. वो जो क्लीन क्लोथिंग की हम बात करेंगे, तो सारे ही कपड़े बेबी के वॉश्ड होने चाहिए, स्पेशली बेबी का ब्लैंकेट, बेबी की वेस्ट, बेबी के पजामा, सॉक्स, हैंडकरचीफ्स, एवरीथिंग शुड बी प्री वॉश्ड. जब बेबी बॉर्न भी नहीं हुआ है, तब ही आप बेबी के सारे क्लोथिंग अच्छे से वॉश करके पैक करके रखिए, एंड व्हेन यू नीड इट आप निकालिए. ये डेफिनेटली एक टायरसम प्रोसेस है, बट अगर आप चाहते हैं कि बेबी की स्किन अच्छी रहे, बेबी को रैशेज ना हो, बेबी को बैक्टीरिया या यीस्ट इन्फेक्शंस ना हो, तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है. बिकॉज आप देखेंगे कि जब आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हो, और बेबी को कोई भी कपड़ा कभी भी पहना रहे हो बिना धुलाए, तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि बेबी की स्किन में थोड़ी सी डार्कनेस आपको दिखेगी, बिकॉज ऑफ स्टोर्ड डर्ट, बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन हियर एंड देयर. क्योंकि कपड़े बहुत लोगों के हाथ लग रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके बेबी को वो ठीक डिलीवर हो रहा है कि नहीं. सो दिस इज समथिंग जिसका बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं. जब आपके बेबी के क्लोथ्स साफ होंगे, क्लीन होंगे, तो उसमें कोई एक्सेस डाई भी नहीं होगा, कोई केमिकल भी नहीं होगा, और वो एक बहुत अच्छा वे है टू सिक्योर योर बेबी स्किन. बिकॉज लाइक आई सेड, बेबी के इम्यून सिस्टम के जैसे बेबी की स्किन भी डेवलप हो रही है, एंड एज वी ऑल नो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन. तो यहाँ पे जब हम ये सारी बातें देख रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइक बेबी का इंटरनल केयर हम कर रहे हैं, उसकी एक्सटर्नल केयर इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट. बिकॉज हम चाहते हैं कि बेबी जब टॉडलर है या टीनेजर है, तो ये छोटी छोटी बातों की वजह से उसको कोई प्रोलॉन्ग्ड स्किन डिजीज या स्किन प्रॉब्लम्स ना आए, तो क्लॉथ का केयर आप ज़रूर करिए. दूसरा है दैट वॉट एवर लॉन्ड्री डिटर्जेंट आप हमारे लिए एज अडल्ट के लिए के कपड़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ वो सेम डिटर्जेंट अपने बेबी के लिए मत यूज़ करिए. स्पेशली पाउडर फॉर्म यूज़ मत करिए. पाउडर हमेशा कपड़ों से कभी कभी चिपक जाता है, एक्सटेंज छोड़ जाता है या डाई छोड़ जाता है. सो पाउडर मत यूज़ करिए. गो फॉर गुड ऑर्गेनिक लिक्विड डिटर्जेंट्स फॉर योर बेबी, विच इज़ द सेफेस्ट. आप हाथ से उसको साफ करिए या मशीन वॉश करिए, जो भी कर रहे हैं गो विद लिक्विड डिटर्जेंट्स. अब बेबी जैसा जैसा 3 months 4 months का हो रहा है हमारा,
बेबी को एक इशू आएगा कि वो बहुत ड्रूल करेगा, बहुत स्पिटिंग होगी और बहुत एक्सेस सलाइवा बेबी के माउथ से बाहर आएगा। तो ये स्पेशल एरिया, ये पूरा एरिया कभी कभी आपको लाल दिखेगा या यहाँ पे छोटे छोटे दाने दिखेंगे, वो तब दिखते हैं जब आपके बेबी ड्रूल कर रहा है और उसका आफ्टर केयर हम नहीं कर रहे हैं, उसका उस एरिया का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो वो जब उसका ध्यान ही रहेंगे तो यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, एंड ये हमेशा ही होता है। तो इसका ध्यान आप कैसे रख सकते हो, दैट वेन एवर यू आर सीइंग ड्रूलिंग फॉर योर बेबी, बहुत रफ हैंकरचिफ से या टिश्यू पेपर से उसको ना पोंछने के बजाय एक बहुत सॉफ्ट मसलिन क्लॉथ या बेबी कॉटन बॉल्स जो बहुत सॉफ्ट आती हैं, स्पेशली पिंक कलर की, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो, इट ऑल्सो टॉक्स ग्रेटली अबाउट हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर बेबी। उसमें आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट दोज कॉटन बॉल्स पिंक कलर की, एंड यू कैन यूज इट टू क्लीन योर बेबीज लिप्स, स्पेशली दिस एरिया। इससे बेबी की लिप केयर भी हो जाएगी, बेबी का स्किन इज, बेबी के लिप्स आर पिंक एंड बेबी के लिप्स आर प्लम एंड सॉफ्ट, एंड ऐसे आपका यू नो द ड्रूलिंग केयर इज ऑल्सो हैपनिंग वेरी इजिली। एंड देन दिस इज ऑल्सो द लास्ट बट द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि सन एक्सपोजर, स्पेशली आपको 6 मंथ्स बेबी का बहुत नैरो कर दीजिए, बहुत ज़ीरो कर दीजिए। वाई? बिकॉज हम प्रेफर करते हैं कि विंटर्स में हम बेबी को ज़रूर एक सन बाथ दें, बट वो भी बहुत माइल्ड देते हैं, हम बिल्कुल एकदम सन के नीचे बेबी को नहीं रखेंगे। वो भी एक बहुत माइल्ड तरीका है बेबी को सन बाथ देने का विंटर्स में स्पेशली, विच इज़ टोटली फाइन एंड सेफ बिकॉज विंटर इज अ लॉट ऑफ लेयरिंग, तो वहाँ पे वो इशू आपको नहीं आएगा। बट समर्स में स्पेशली प्रिकली हीट रैशेज या सनबर्न्स जैसी प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलेगी, एंड ऑल्सो यूवी रेज बहुत हार्श हैं बेबी के स्किन के लिए, सिर्फ स्किन के लिए नहीं पूरी बॉडी के लिए, इट इज़ नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। सो आई सजेस्ट कि सन एक्सपोजर बेबी का बिल्कुल कम कर दीजिए, बट किसी मजबूरी से अगर आपको करना पड़ भी रहा है, बेबी को बाहर लेके जाना भी पड़ रहा है, तो एक बड़ा सा कैप या बड़ा सा हैट बेबी को के लिए ज़रूर लीजिए, वो पहनाइए, एंड बेबी को फुल स्लीव्स फुल पजामास से कवर करो, एंड टेक एन एक्स्ट्रा रैप ऑन फॉर योर बेबी टू प्रोटेक्ट अ सेकेंड लेयर, बिकॉज वो ना ही बेबी के स्किन को बहुत परेशान करेगा, बट इट इज ऑल्सो नॉट द सेफ थिंग टू डू, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड टेक केयर। सो ये सारी फैक्टर्स का बहुत अच्छे से बहुत प्यार से ध्यान दीजिए। आई एम श्योर एज मदर्स एंड फादर्स आप बहुत अच्छे से केयर कर रहे होंगे, बट स्किन इज समथिंग जो लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे अगर आप day 1 से बेबी की स्किन की बहुत अच्छी केयर करते हैं। तो बेबी को कॉटन के पतले सॉफ्ट ऑर्गेनिक कॉटन के कपड़े पहनाइए, बहुत हार्श कपड़े मत पहनाइए। जो भी चीज़ आपको लग रही है कि बेबी को रैश दे सकती है वो अवॉइड करिए, शिमरी क्लोथ्स, इरिटेटिंग फैब्रिक्स, ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिए, बाहर लेके जाना अवॉइड कीजिए। बेबी के आसपास जितनी क्लेनलीनेस होगी बेबी की स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। बेबी की एक बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लीजिए, आई विल सजेस्ट अ फ्यू हियर एंड आई विल ऑल्सो लिंक दैम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वो भी आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। यूज़ दीज प्रोडक्ट्स विच आर वेरी सेफ फॉर द बेबी, बिकॉज जब बेबी की स्किन केयर की बात आती है तो लेस इज मोर, द मिनिमम प्रोडक्ट्स यू यूज़ द बेटर रिजल्ट, द मोर नेचुरल प्रोडक्ट्स यू यूज़ द बेटर रिजल्ट। तो ये सारी ही चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी बेबी की बहुत अच्छी केयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट ऑल। Please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Mama Bear India. See you in the very next video. Thank you.